मुझे यहाँ बयान करना है, मुझे किसी ने कहा नहीं था। उसूल ये है कि आदमी से कहा जाए, चाहे अपना घर क्यों न हो, आदमी से कहे कि मुझे बयान करना है, आपको बयान करना है, तो बयान की तैयारी करें हम। लेकिन चूंकि मजमा जमा हुआ है, मैं एक मुख्तसर बात आपको समझा देता हूँ और एक ऐसा हदिया देता हूँ जो मैंने दुनिया में पहले कभी भी नहीं दिया। ये पहली मरतबा दे रहा हूँ, ये जो बात कह रहा हूँ, जो आपको हदिया दे रहा हूँ, ये मैंने, मेरे सबक सारी दुनिया में चलते हैं, आप हजरात जानते हैं, मैंने किसी को भी कभी भी ये हदिया दिया नहीं है, लेकिन आप हजरात को दे रहा हूँ। कबूल करेंगे ये बताइए मुझे कि अगर अपनी जिंदगी में ये मामूल बना लें आप लोग, ये जो बात कह रहा हूँ मैंने कभी भी कही नहीं है, ये पहली मरतबा है, और आगे इंशाल्लाह जब अल्लाह तौफीक देगा तो हम कहेंगे, अपनी जिंदगी का अगर आप मामूल बना सकते हो तो इतना मामूल बना लो कि रोजाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, और रोजाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, और रोजाना 313 मरतबा इस्तिगफार पढ़ो। ये जोड़ी है, जोड़ी समझ गए ना, 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, और 313 मरतबा सूरह इस्तिगफार। इतना अगर आप मामूल बना लो तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बहुत बरकतें मिलेंगी, आपकी कयामत तक के आने वाली नस्लों को अल्लाह चमका देगा इंशाअल्लाह। तो सूरह इखलास एक साथ पढ़ना नहीं है, जब भी वक्त मिले आपको, ये गाड़ी चलाते चलाते वक्त मिला पढ़ लिया, खवातीन को जो है वो चाय बनाते बनाते वक्त मिला पढ़ लिया, ये तीनों जो वजीफे हैं ये पहली मरतबा मैं बयान कर रहा हूँ। 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तिगफार, सारी खैरें इसमें आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह इखलास की फजीलत तो ये कि 10 मरतबा आप पढ़ोगे सूरह इखलास तो जन्नत में महल तैयार हो जाएगा। गठामन में एक बंगला बनाना हो या छोटा मकान बनाना हो तो कितनी मुश्किल होती है, प्लॉट खरीदो, ये खरीदो, दुनिया भर के झंझट करो, और यहाँ 313 मरतबा अगर आप सूरह इखलास पढ़ोगे तो 31 बंगले रोजाना जन्नत में तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और कोई इनकम टैक्स वाला आपको महसूस करेगा नहीं, और इलेक्ट्रिक बिल भरना नहीं है आपको, मेंटेनेंस करना नहीं है, कोई लेके भाग नहीं जाएगा। तो रोजाना जो है 31 बंगले जन्नत में तैयार करो, करोगे इंशाअल्लाह, और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा। ये तो सूरह इखलास का हो गया। दुरूद शरीफ 313 मरतबा पढ़ोगे तो 313 मरतबा अल्लाह की रहमतें हम पर आएंगी, कितनी बड़ी चीज है। सारे फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे, बताओ कितनी बड़ी चीज है। हम पढ़ेंगे 313 मरतबा और 313 मरतबा सारे फरिश्ते, आसमान और जमीन, समंदर, और अल्लाह ने एक बहुत बड़ा समंदर बनाया है सातवें आसमान के ऊपर, बहुत बड़ा समंदर है, उससे बड़ा समंदर कोई नहीं, दुनिया के समंदर छोटे हैं, वो जो समंदर ही समंदर है, सबसे बड़ा समंदर वो, उस पर जो फरिश्ते हैं वो फरिश्ते, जन्नत के फरिश्ते, जहन्नम के फरिश्ते, जमीन हो गए फरिश्ते, ये सारे के सारे हमारे लिए दुआ करेंगे, और अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होंगी, वो बात वो अलग। और 313 मरतबा इस्तिगफार करोगे तो इस्तिगफार करने से हमें अल्लाह ताला बरकत वाली रोजी देगा, हलाल रोजी देगा, और अच्छी जिंदगी युमत्तेकुम मतान हसनन इला अजल मुसम्मा, पाकीज़ा जिंदगी अल्लाह हमें देगा। ये मैं तीन टॉप चीजें बता रहा हूं आपको, जो पहले आपको कहा मैंने कभी बयान नहीं किया,
ये पहली मरतबा गठामन की बरकत या बयान आपने तय किया मुझे पता नहीं उसकी बरकत, ये बरकत से आपको यह हदिया मिल रहा है। 313 मरतबा सूरह इखलास याद रहेगा, 313 मरतबा दुरूद शरीफ याद रहेगा, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार याद रहेगा। अब दुरूद शरीफ में जो दुरूद शरीफ आपको याद हो, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद, ये भी दुरूद शरीफ है, सल्लल्लाहु अला रसूल सल्लल्लाहु अला नबी मोहम्मद, ये भी दुरूद शरीफ है, दुरूद शरीफ नमाज में पढ़ते हैं वो भी दुरूद शरीफ है। जो आपको याद हो पढ़ो, और इस्तिग़फ़ार में जो आपको याद हो पढ़ो। अच्छा ये है कि आप गुजराती में बोलो, अल्लाह मना माफ करी दे, अल्लाह मना माफ करी दे, अल्लाह मना माफ करी दे, लेकिन अरबी तो समझ में आती नहीं है। अरबी पढ़ोगे तो रवा रवि रस्मी होगा, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। और अगर अरबी समझ लेते हो तो अरबी पढ़ो, अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाहुम्मा गफिरली। ये तीन वजीफे अगर आपने पकड़ लिए तो इंशाअल्लाह कयामत तक की आपकी आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह ताला खुशहाली के फैसले करेगा। और बहुत दलीलें हैं इसलिए 313, 313 क्यों पढ़वा रहा हूं कि बदरीन की तादाद है 313, 313 का जो अदद है फिगर, इसमें अल्लाह ने बड़ा करंट रखा है। करंट किसी जमाने में सलफ सालिहीन जो है ये बहुत कहा करते थे अपने शागिर्दों को, 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ो। करोगे इंशाअल्लाह भाई, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, मैं ये दुआ करता हूँ जुमा का दिन है कि अल्लाह जो मेरी इस नसीहत पर अमल करे उसकी कयामत तक के आने वाली नस्लों को तू चमका दे, और उसके घर के चमन को तू आबाद कर। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर नसीहत है लेकिन बहुत अहम बात मैंने कह दी आप लोगों के सामने। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।